अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिमत पाकिस्तान से नईम रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं जाजा सुपर लीग एडिशन टू टूर्नामेंट, क्रिकेट जारी है इस वक्त। यहां पर तमाशाई भी बैठे हुए हैं, यहां पर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कल पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच, इन पर हम लोगों से राय लेते हैं कि कल कौन सी टीम जो है मैच विन करेगी और क्या अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में होने वाला मैच जो है वो फिक्स मैच होगा। जी बिलाल साहब, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं जाजा सुपर लीग एडिशन टू का, इनसे पूछते हैं कि ये टूर्नामेंट क्या है और ये इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है और ये कितने रोज तक जारी रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि साहब भाई को पता है कि हम वक्तन फ़क्तन ये टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। ये माशाल्लाह हमारे सीज़न का कोई पाँचवा छठा इवेंट हो रहा है, तो ये अभी इस दफ़ा ना हमने 16 टीम्स ली हैं, तो आज प्री क्वार्टर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह सुबह इस टूर्नामेंट के क्वार्टर होंगे। अभी ये चौथा मैच चल रहा है, हमारा अपना मैच हो रहा है और इसके बाद अभी तीन मैच और पेंडिंग है, बाकी इंशाल्लाह सुबह भी इसके क्वार्टर फाइनल होंगे और कल लास्ट डे होगा इसका इंशाल्लाह। कल शाम को इसका जो है फाइनल होगा। जी जी इंशाल्लाह कल शाम को इसका फाइनल होगा। वैसे आपका क्या देख रहे हैं कि बहुत सी टीम जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इस वक्त? मतलब जो क्रिकेट है ना, ये कहते हैं कि बाई चांस गेम है, जो टीम एट द डे एंड अच्छा खेलेगी वो इंशाल्लाह मतलब विन करेगी और जो टीम मतलब मेहनत करती है उसे मेहनत का सिला मिलता है। आपसे बिलाल साहब से हटके एक सवाल हो रहा है, कल मैच हो रहा है अपना न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का, क्या समझते हैं ये मैच फिक्स होगा इंडिया को आगे लाने के लिए, ये लोग अपना कोई हरबा इस्तेमाल करेंगे? जी इसमें यहाँ पे बताता चलूँ, कोई लास्ट जो मैच हुआ है अपना अफगानिस्तान और इंडिया का, मोस्टली लोग कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान ने मतलब मैच फिक्स किया है, वो खैर उससे हट के भी अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छी टीम है, तो मेरे हिसाब से सुबह वो वन साइडेड विन करेगी अफगानिस्तान से और इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर जाएगी, मेरा जो पर्सनल माइंड है मतलब जितना मैं समझता हूँ क्रिकेट को। जिस तरह अफगानिस्तान ने पिछला इंडिया के साथ खेला मैच और वो लग रहा था पूरा लग रहा है कि अफगानिस्तान इस तरह की हरकत दोबारा करेंगे। जिस तरह मतलब पिछले मैचेस देखे गए हैं उसमें तो पाकिस्तान ने टफ टीमें थी, लेकिन हमारा उसके साथ मैच खेलेंगे इंशाल्लाह। कल का होने वाला मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, आपके समझते मैच फिक्स होगा, क्या न्यूजीलैंड चांस देगा इंडिया को के वो आगे फाइनल तक जाए? नहीं इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक फेयर मैच होगा और न्यूजीलैंड फुल अपनी जान मारेगा कि ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और न्यूजीलैंड लास्ट टाइम भी जो 50-50 वर्ल्ड कप है वन डे उसके अंदर भी लूज़ किया है, तो वो कोशिश करेंगे यहाँ कि ये मैच विन करें ताकि उन्हें नेक्स्ट ये इवेंट जीतने का मौका मिल सके। बताएं कि कल पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच भी है और क्या समझते हैं कि कल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कैसी हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटर से बेटर होगी और इंशाल्लाह टीम दिन ब दिन निकल
न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड इस ग्रुप में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और न्यूजीलैंड अपना 100% देगी क्योंकि उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना लाजमी है, तो इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मसला होगा। इंशाल्लाह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाहिमत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।